खेल खेल में गई एक युवक की जान। नमस्कार, मैं निशा सरोज, आप देख रहे हैं इंडियन सिटीजन टीवी। दोस्तों के साथ लूडो गेम खेलना एक युवक के लिए काल बन गया। खेलते ही खेलते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। दरअसल मामला इस प्रकार से है कि दोस्तों में से एक दोस्त का फोन टूट गया, जिससे गुस्साए दोस्त ने अपने ही दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें इस खबर में। वाली पुलिस स्टेशन के क्राइम PI राहुल कुमार पाटिल ने बताया कि मृतक संदीप पवन गौड़ वसईपुर व चिलोत्तर क्षेत्र का निवासी था। संदीप अपने छोटे भाई आदित्य और पत्नी के साथ रहता था। क्षेत्र में रहने वाले आरोपी आदित्य के मित्र थे। रविवार दोपहर 2:30 बजे आरोपी आदित्य के घर लूडो खेलने आए थे। लूडो खेलने के दौरान आदित्य का आरोपी से विवाद हो गया। मृतक के छोटे भाई ने आरोपी को जमीन पर पटक दिया। इस दौरान आरोपी का मोबाइल टूट गया। इसके बाद आरोपी ने आदित्य से बदला लेने के लिए अन्य दोस्तों को भी बुलाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। भाई को पीटता देख संदीप ने भी बीच बचाव करने गया, जिससे नाराज आरोपियों ने संदीप की ईंट और डंडों से मार कर उसकी हत्या करके फरार हो गए। वहीं मृतक संदीप की पत्नी पूनम गौड़ ने हत्या की जानकारी वाली पुलिस स्टेशन को दी। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद शहर छोड़कर भागने की फिराक में लग गए, लेकिन वाली पुलिस की डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने आरोपियों को मुखबिर और लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 30 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर इसकी जांच कर रही है। इस पूरे घटना के बाद वही मृतक की पत्नी इंसाफ की गुहार लगा रही है। साथ ही मृतक की पत्नी ने वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे इंडियन सिटीजन टीवी के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।